आज हम जाने वाले हैं अपने कुछ डिजाइनर्स के पास। वही वही टाइमिंग 1 बजे की थी और 1:30 बज गए। ये दुल्हन वाला तुमने पहनना? नहीं, पिछली बार की तरह ट्रोल हो जाओ। ये अगर मैं ब्रात पे पहनूं ना, ग्रम सुल्तान बन के। अब ये राबिया साहिबा, तो आप भी अपना निकाह का जो जोड़ा है वो पहना। ये This is me, Ikra Kawal. Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day. उठी हूँ मैं कोई 12:30 बजे और सब बहनों को मैंने जबरदस्ती एक 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 करके उठाया। मम्मी भी आज सुबह से रेडी है। मम्मी रेडी नहीं, आज मैंने आके मम्मी नाश्ता नहीं मुझे लेके नहीं जा रही। मुझे कह रही है आपका डिजाइनर कल आएगा, फिर आएगा, आपने फिर जाना। अगर आपने वैसे जाना तो आप आ सकते। नहीं, मैं फ्री नहीं हूँ वैसे। देखो जरा, अब मैंने तो अभी लोगों को बताया नहीं है मैं करने के वाली हूँ। आज मैंने बता दिया गाइस, तो आज हम जाने वाले हैं अपने कुछ डिजाइनर्स के पास। हम लोगों ने अपने कपड़े देखने हैं क्योंकि कपड़ों की चीजें अभी तक डिसाइड नहीं हुई। और ये जो मेरी 2 अदद बहनें हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ बातें करती जा रही हैं, करती जा रही हैं, करती जा रही हैं। इनको कोई होश नहीं है, इन पे कैमरा पड़ रहा है। ऐसे ही तुम लोगों की चुगलियां रिकॉर्ड करूं। आई नो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स ऑफ लाइफ। ओके, फातिमा पापा जी ऊपर है। जल्दी करो, 1:30 बज गया, लेट हो रहा है, डिजाइनर वेट कर रहे हैं यार। तो गाइस, हम लोगों ने आज जाना डिजाइनर पे, तो आज की जो भी सूरत हाल होगी वो सब आपको दिखाएंगे। एक ही डायलॉग पकड़ा हुआ है, पापा को बताओ पापा डांटेंगे, डांट के लिए इसने पापा रखे हुए हैं। वैसे मेरी अम्मा सबसे स्पेशल डांटती है, पता है आपको? अम्मा की डांट ऐसी जहरीली डांट है, ऐसी जहरीली की मैं नहीं। मैं डांटती बहुत कम हूं, लेकिन जब डांटू ना बहुत डांट, जंग अच्छे से डांट। चलो उठ जाओ। वाई वाई फातिमा, बॉस इज कॉलिंग। हाँ, फातिमा पापा बुला रहे हैं, नीचे आओ। पापा ने भी जाहिर है काम पे। मजे की बात बताऊँ, हमने तो जाना ही होता है जल्दी, तो पापा का काम उससे अर्जेंट निकला होता ये हकीकत है गाइस। और ये घर का मेरे ख्याल से हर मर्द ही बहुत फास्ट होता है। रह जाते हैं और पापा कहते जल्दी 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 पापा कह रही। मेरे पापा इतने पंचुअल हैं कि किसी जगह पे अगर 3 बजे पहुंचना है तो 10 बजे उठते हैं। हाँ। आज की टाइमिंग 1 बजे की थी और 1:30 बज गए। और उनकी बेटियां इतनी इतनी लेजी है कि किसी जगह 3 बजे पहुंचना हो तो वो 4 बजे सो के उठती है। उनके गुनाहों का सजा इतनी मिल गई। आ गया ये भी बच्चा, ये बच्चा देखो पीछे क्या। ये जो बच्चा है ये सबसे अफलातून बच्चा है। ऐसी बनी गई लड़कियाँ स्कूल में नहीं करती थी इतना। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये उठते साथ गए छींके मारती है। करती थी आगे से होंगे पफ निकालती। मुझे आता पता मैं क्या करती थी उस टाइम, मेरे से कर्ली बाल, तो मैं कहती थी कि इसके इतने प्यारे बाल है, मैं कहती मेरे के नहीं ऐसे लगते। इतनी पढ़ाई, इतना ध्यान तुमने अपनी पढ़ाई पर दे लिया होता ना, तो आज तुम फिल्म ना और टेलीविजन ना पढ़े थे, डॉक्टर अच्छी डिग्री है। फातिमा के बाल हमारे घर में सबसे प्यारे थे, सबसे स्ट्रेट और सबसे चाइनीज काका लगते। मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं, तुम निकलती हो क्या? अच्छा, इसने ओ लेवल किया हुआ। चलो 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 चलो, फैमिली फोटो। तो गाइस, निकल आए जी घर से बड़ी मुश्किल से। और ज़ैनब को नहीं लेके जाना, वो नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे। हाँ, अब हम पहुंचते हैं गाइस वहां जाके, आपको बता दूं। तो लेट्स गो गाइस, हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं डिजाइनर से पास। और ये लड़की पापा से पूछी, पापा जी यहाँ से शवारमे कितनी दूर है? शवारमे काफी दूर है, काफी दूर। खाना कितनी दूर है? खाना भी दूर है। फातिमा निकल गई है, फातिमा बहुत ज्यादा जल्दी में, तो अब हम निकलते हैं। सारे यहाँ पे डिजाइनर हाउस है जहाँ पे हम पहुंचे और हम लोगों ने जाना है इस वक्त। हाँ जी, ठीक है ठीक है। पापा जी शोर में देखते लाना, ठीक है ठीक है। ओके, तुम क्या लिपस्टिक लगा रही हो? औरत ड्राइव है। सारे कपड़े दुल्हन की पहने देखने आई हैं। कितने पहने हैं अभी कपड़े? अब मैं ऊपर एक बार विजिट करने जा रही हूं। ये दुल्हन वाला तुमने पहनना? नहीं, पिछली बार की तरह ट्रोल हो जाओ। मैंने तो इस बार बहुत 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 ही सिंपल पहना ताकि वो पिछला वाला लोगों का मैनेज हो जाए, भूल जाए। मैं तुम्हें ड्रेस सजेस्ट करती हूँ, ये वाला पहनो, ये वाला। ना ना, मैंने पहनना है सलवार कमीज, सिंपल सलवार कमीज के ऊपर सिर्फ ये फैंसी दुपट्टा। गाइस, अभी ये फैंसी दुपट्टा और यहाँ पे ये खड़े होकर सुकून से भी डिसाइड करी है कि ये पहना जाए ये पहना जाए। सारी व्हाइट रेंज निकाल ली है, गरारे
सितारे हैं, लहंगे हैं, विश्वास है। ये तो खैर सारी हमारे थीम से आउट है। ये दुपट्टा बहुत लाइटर है, बड़ी अच्छी क्वालिटी में काम, बहुत प्यारा हुआ है। कौन सा बट निकाह पर तो व्हाइट पहनो ना, मुझे व्हाइट अच्छा लग रहा है। फातिमा पहन कर आ गई ऑलरेडी ड्रेस, तो है ना ये मेरा सुल्तान की उरम सुल्तान बन के अब जा रही है। आर्टिकल चेक करो जरा इस बच्ची का। अली राबिया तुम भी कुछ दे दो, तुम सेल्फीज के अलावा यहाँ पे कुछ भी करने नहीं आई हो। ये अगर पहन कोई पहनना एंटीक सिंपल, हाँ जो एंटीक कलर निकाल के बैठे ना, इसके बाद मैं तुम्हें एंट्री नहीं होने देना। अगर आपने निकाला ना तो कोई और, मुझे एक अच्छा लग, दिल को लगे अगर ना बारात टाइप पे सर्दी होती। हाय वेलवेट राबिया, आगे जो मेरी मेरी यानी कि रुक्सती वाला सीजन है ना वो यही है। हाँ ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बट बहुत भारी है, बट इसके अंदर जो रंग नहीं तो बैक है ना, हाँ ये फ्रंट दिखा, ओ नाइस। ये अगर मैं बारात पे पहनूँ ना, ये बारात में मेहंदी का कलर है, मैं तुम्हें मारूं पकड़ के। रेड लिपस्टिक लगाई हो और मुझे ना सारे कमेंट में बताओ कि मैं निकाह पे रेड लिपस्टिक लगाऊं या ना लगाऊं। ना लगाऊं नहीं, और बहुत भारी है। दुल्हन चाहे रेड लिपस्टिक लगाए ना, तुम रेड लगा के बैठ जाओ। अरे अरे भाई के लिए भी यहीं से देख लो ना पगड़ी शगड़ी। वो वैसे निकाह पगड़ी पहनेंगे? नहीं बारात में पहनते बेवकूफ है राघव, बिल्कुल पागल हो गया। अच्छा मैं एक और दिखाती हूं, मैं एक ड्रेस ट्राई करने जा रही हूं लाइट कलर का, व्हाइट कलर का। यहां से गाइस निकाह पे पहनना चाहिए हमें साड़ी। अच्छा साड़ी इनके पास है, एक दिखाओ। नहीं मुझे एक ये फ्लैपर अच्छा लगा। हां ये पहन, ये क्या कहां गया, ये वाला दुपट्टा मैं अपने वो रख लूं जो सर पे नहीं पहनते दुपट्टा, वो लड़के वाले लेके आएंगे। लड़के वाले लेकर आएंगे? हाँ। भाई लेकर, हाँ वो लड़के वाले लेकर आएंगे। मैं लड़के वाले के साथ। तुम किसके साथ हो? दूध पिलाई चाहिए होगी ना, तो लड़कों वाले वाले की साइड पे रहना, तुम्हें कुछ नहीं मिलना। तो तुम्हारे वाला हिस्सा दुल्हन रख लेगी, ठीक है बेटा। मैंने पता क्या लेनी है दूध पिलाई, खाली चेक, खाली चेक देंगे, रिपोर्टों की साइन ना करें। मैंने कहा जितने आपकी पहली यूट्यूब वीडियो पे व्यूज आए थे ना उतने पैसे, 4 मिलियन उतना चाहिए, 4 मिलियन 40 लाख ट्राई करूंगी। ये राबिया साहिबा, ये तुम्हें मेरी एंगेजमेंट पे पहनना चाहिए था। मुझे ये कह रहे काश मैं एंगेजमेंट पहन लेती, बहुत अच्छा। काश तुम यहाँ आ जाती एंगेजमेंट पे, फिर तुम्हें मिलता सब। एंगेजमेंट वाले ड्रेस का कलर था यही था उस पे, लेकिन काम और था उस पे सारे ये काम। बेटा वो मेरे से ज्यादा, मेरे ड्रेस से ज्यादा इसके ड्रेस पे काम हुआ था, मैं तुम्हें खुद ट्रोल करूंगी और इवेंट के लिए ये ले सकती है। तुमने नहीं अपने लिए कोई ले सकती तो आई कैन, तुम ले लेना। मुझे तो प्रॉपर वो आएगा ना, ये वाला ड्रेस सेलेक्ट किया है और ये मुझे अच्छा लग रहा है पहना हुआ, फिटिंग बहुत परफेक्ट आई है इसकी। मैं जाके ना हिरा और फातिमा को दिखाती हूँ क्योंकि राबिया ऑलरेडी यहाँ पे चेंज कर रही है। तो आप भी अपना निकाह का जो जोड़ा है वो पहना, ये अगर इसको तो तुम यही पहन लो, ये वैसे ही अच्छा लग रहा है, नो डाउट। इसके साथ दुपट्टा कौन सा दुपट्टा इसके साथ लेके देखो। एक बात बताओ, इसमें जो कलर डिफरेंट आए हुए है ना, हाँ ये सबसे प्यारे जो आई है। इसके साथ तुम्हारे पास ऑप्शन होगी, तुम कर सकती हो मिक्स एंड मैच। ना प्यारा दुपट्टा है यार, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक और दुपट्टा, हाँ हाँ वाओ ये बहुत अच्छा लग रहा है। दुलानी हो तो मेरा जो अंदर घुस रही है, इसमें ऐसे 10 पिक्चर बनाना, मैं आपको दिखाऊंगी। ट्रॉल करके दिखाओ, वाओ अभी सच में बहुत ड्रीमी लुक आ रही है। मुंह बना के खड़ी है क्योंकि उसका अपना सिलेक्ट नहीं हो रहा। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करनी यार, एक बात तो जो भी तुमने पिंक पहना था ना उसको भी प्लीज कंसीडर करो, वो बहुत प्यारा लग रहा था। मैं सोच रही हूँ ऐसे ही चली जाऊँ आपकी एंगेजमेंट अभी होती है। अच्छा सब लोग देख रहे होंगे कि हिरा ने क्यों नहीं ट्राई किया, हिरा ने क्यों नहीं ट्राई किया। शादी में कोई एक उस पर तो मैंने बहुत ही प्यारा पहना है उस पर, तो मतलब इस दफा वाला तुम्हारा प्यारा नहीं है ये कहना चाह रही हो? नहीं तुम कहना क्या चाह रही हो? नहीं जूड़ा बनाना सबको बता रही हूँ, बड़ी बहुत है। इस तरफ इतने गुस्से से क्यों देख रही हूँ? पापा का ड्रेस नहीं हुआ, मुझे अच्छा लगा ये ड्रेस। पापा ने खाना ले लिया तुम्हें पता, पापा ने शुवार में ले लिया, मुझे कॉल करके मेरे मुंह में पानी आ रहा है। राबिया सिर्फ अपनी मायूस शक्ल लेके यहाँ पे बैठी हुई है कि मैं क्या करूँ। तुम्हें जो कहा था यहाँ पे लेने के लिए तुमने वो लिया नहीं, पिंक कलर का वो इतना अच्छा लग रहा है। गाइस इसको कहीं कमेंट बॉक्स में कि वो वाला पिंक वाला जो ड्रेस है ना मुझे ये वाला ये ले ले। बस हीरा अपना शीशा देखना बंद करो, मैंने नहीं देखा, अपने कपड़ों को भी कैप्चर करी जो मैं शीशे में देख रही, अपना अपने कपड़ों को हवा लगवाओ, इनको नहीं। राबिया तो फुल गुस्से में है, मुझे ऐसे घूरियां करा रही है कि आप, क्योंकि राबिया ने जाना है कहीं और।
हर दफा राबिया का ड्रेस नहीं आता ना, ईद का आता है फिर रोती है। हर कोई भी फेस्टिवल होता है ना, राबिया का ड्रेस सबसे पहले आया होता है। हम रो रहे होते हैं डिलीवरीज बंद हो गई। हाँ, लेकिन ये भी एक दफा रो रही थी प्लेन पे कराची से कपड़ा, एक दफा तब रोई थी और एक दफा कुछ और आ गया। अबे मेरे निकाह पे एक बनियान पहन के जाएंगी। हम सब लोग अब यहाँ से लगे हैं निकलने, सब बारी बारी जो है ना वो निकल रहे हैं यहाँ से। इधर देखे अपना फोन छोड़ दीजिए, यानी कि इसका फोन पीछे से किसी और ने लेकर आना है। उसके पास जिसके पास ये छोटा बैग होता है ना, उसको लगता है कि उसका सब कुछ ना उसके पास ही है। ये सामने ओ वाइट वाला, ये कितना खूबसूरत है ये वाला ड्रेस ना। हाँ अब तो फातिमा ये देख लो यार, थोड़ी जेब हल्की करनी पड़ेगी। हैं उधर रह गया, वाह भागो भागो, ये लो किधर होता तुम्हारा ध्यान है, किधर होता तुम्हारा ध्यान, किधर होता तुम्हारा ध्यान। बड़ी बहन जिम्मेदारी ना ले, तो छोटे छोटे बंदे खुद पकड़ा। चलो निकलो, सोफे में रखा हुआ मैं छोड़ के, मेरे से लड़ो मत। ओए तो ये फातिमा कितने हजार के थे ग्लासेस, उतने का ड्रेस नहीं जितने के ग्लासेस तो छोड़ा ही तुम। ये आगे नहीं हमारे, ये पहले मुझे दे। पापा कहने नहीं। हल्की आंच पे शवारमा खाने लगी हूँ, बहुत देर बाद बाहर का गंद खाने लगी हूँ। तो मैंने शेक दे दिया, पिला दिया, वरना खाली पेट ये खाना था। अब इनका फूड टाइम लग रहा है यहाँ पे। हमने एक दो जगह और जाना था, लेकिन राबिया मैडम ने अतम मचा दिया कि मैंने कार चढ़ गया और मैं कितने और भी जाना है, लिहाजा हम अब पाँच मिनट। पापा ने बहुत वेट किया, बहुत इंतजार किया, इट्स नॉट एन इजी टास्क। खाना खा के कैसे स्मेट, देखो कैसे रही। हाँ, उसको अच्छे से स्मेट ना, कुछ करना पड़ेगा। गाइस हम लोगों ने खाना शाना खा लिया, बिल्कुल परफेक्ट हो गए। अब कहीं से जूस पीते हैं, जूस पीते हैं बिकॉज़ तो गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं, लेकिन जूस नहीं पी सके। राबिया मोहतरमा ने बहुत जल्दी डाली हुई थी, सिर्फ तुम्हारी वजह से जल्दी आया, नारियल का जूस नहीं पी पाए। ये जो है ये हम मम्मा कह रही है, कहाँ से है मॉम? ये कोई फैन देखे क्या, बहुत ही प्यारा चाहिए। ये किसी को कैसे पता, मुझे ये वॉलपेपर, मतलब वॉलपेपर कह रही हूँ, गिफ्ट पेपर बहुत अच्छा लगता है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओए 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 सिस्ट्रोलॉजी, यार ये कितना अच्छा लग रहा है। पूरी हमारी फैमिली फोटोज हैं, फैमिली फोटो नंबर 1, फैमिली फोटो नंबर 2, फैमिली फोटो नंबर 3। थैंक यू सो मच जो ये देखे गए, अभी हम तक पहुंच गया। इट्स वेरी प्रीटी राबिया। ये हमारे कुछ फैंस हैं, अभी हम घर आए हैं तो ये लोग आए हैं। भी ये वो जो पहला जो गिफ्ट था, जो सिस्ट्रोलॉजी फैमिली फोटोज मैंने देखी थी, वो भी ये लेकर आए थे। मैंने ना अपने ज़हन में आपके लिए किताब लिखी थी। अच्छा जाने। अच्छा मेरे पास अल्फाज नहीं है। भाई बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार का, और बहुत एक बहुत ही एस्ट्रोलॉजी लिखा इस पे। ये देखें ये वाला गिफ्ट एक लेकर आए हैं, ये देखें ये चावल है, चावल का दाना, उस पे एस्ट्रोलॉजी लिखा हुआ है। हाँ ये चावल के दाने पे इन्होंने लिखवाया है एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू सो मच। मम्मी बैठी यहाँ पे सब्जी बना रही है। हम लोग हाँ जी ठीक है, आपके साथ भी जाऊंगी, और मामा पापा और अपने सबके बाकियों के जिनके अभी तक नहीं डिसाइड हुआ वो भी करने जाएंगे किसी दिन। अभी मुझको करना है रेस्ट, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। उम्मीद करती हूँ फातिमा का साइज हो गया। इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।